फाइनली दोस्तों आज नहा धोकर पूरा फ्रेश हो चुके हैं। इधर देखिए बगल में मटन का भी दुकान है, तो जाते हैं अभी मटन लेके आते हैं। और आज हम रोहित और जयप्रकाश होता तीनों मिल बांट के एकदम बढ़िया से बनाते हैं और खाते हैं। दोस्तों अभी दिन के 12 बज चुके हैं और ये देखिए अपना मटन आ चुका है। तो आज हम लोग मटन 750 ग्राम लिए हैं क्योंकि हम लोग तीन ही आदमी हैं। और दोस्तों आज जो मटन है वो जयप्रकाश भैया बनाएंगे, वो भी संधा मटन ना भैया। दोस्तों सारा मसाला इसमें डाल दिए हैं। अब ये रहा हमारा सरसों तेल, तो सरसों तेल थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि इसमें चर्बी पहले से है। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये देखिए हम लोग का खाना बन चुका है। तो देखिए मटन चावल तीनों थाली में निकल चुका है, इधर रोहित भाई का, इधर जयप्रकाश उस्ताद का, इधर हमारा। ग्रेवी तो बहुत अच्छा है दोस्तों, तो मटन खा के देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी दिन के 11 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग पतरातू जिंदल से तारमंडल लोड करके रांची रात में पहुंच चुके थे। और दोस्तों 10 बजते बजते हमारा गाड़ी खाली हो गया। गाड़ी खाली करके देखिए गाड़ी रोड के किनारे लगा दी है। उषा मार्टिन के बगल में ही HP का पंप है, तो वहीं पे गाड़ी लगाए हुए हैं। और दोस्तों अभी लॉन्ग ट्रिप का माल भरना है लेकिन अभी ट्रांसपोर्टर बताया नहीं है। इधर देख सकते हैं जयप्रकाश भैया भी आ गए अपने गाड़ी खाली करके। और दोस्तों संडे को हम लोग बराबर मटन बनाते थे लेकिन संडे को प्रोग्राम कहीं हो नहीं पा रहा था। पिछला हफ्ता भी हम लोग नहीं बना पाए थे संडे को और इस हफ्ता भी नहीं बना पाए, तो कल तो ऐसे भी हम लोग बिजी वगैरह हो गए थे इसीलिए मटन हमारा नहीं बन पाया। लेकिन फाइनली दोस्तों आज नहा धोकर पूरा फ्रेश हो चुके हैं। और इधर देखिए बगल में मटन का भी दुकान है, तो जाते हैं अभी मटन लेके आते हैं। और आज हम रोहित और जयप्रकाश होता तीनों मिल बांट के एकदम बढ़िया से बनाते हैं और खाते हैं। दोस्तों अभी दिन के 12 बज चुके हैं और ये देखिए अपना मटन आ चुका है। तो आज हम लोग मटन 750 ग्राम लिए हैं क्योंकि हम लोग तीन ही आदमी हैं। और दोस्तों आज जो मटन है वो जयप्रकाश भैया बनाएंगे, वो भी संधा मटन ना भैया। किस टाइप में बनाइएगा ये बताइए। सठुआ मटन बनाइएगा, तो मतलब अभी इसमें आप मटन में प्याज डाल दिए हैं और ये देखिए हरा मिर्च और ये लहसुन, ये दोस्तों ये देखिए देसी मिक्सर में हम लोग कूट लिए हैं। और ये रहा हमारा मसाला, तो इसमें टोटल मसाला आइटम है। तो चलिए लीजिए भैया, आप ही बनाइए बढ़िया से, क्योंकि आप जो बनाइएगा कुछ यूनिक बनाइएगा, क्योंकि हम लोग बना बना के ऑडियंस को अपना दिखा दिए हैं। तो अगर आप अलग तरीके से बनाइएगा तो हमारे सब्सक्राइबर भाई को सीखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए लीजिए डालिए, इसको डाल दें। दोस्तों ये रहा हमारा लहसुन और मिर्चा का कुटा हुआ चला गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर नमक डाल रहे हैं, मतलब इसमें पहले मटन धोए पहले उसका प्याज डाले हैं, लहसुन मिर्चा डाले हैं कुटा हुआ। अब ये देखिए नमक हमारा जा रहा है, ये हमारा नमक चला गया दोस्तों। और ये रहा दोस्तों हमारा मसाला, इसमें टोटल हमारा मसाला है और सीक्रेट मसाला भी है इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर हल्दी है, धनिया है, गरम मसाला है, सारा है। जयप्रकाश भैया हल्दी कितना चम्मच डालेंगे बताइए, कितना चम्मच? तीन चम्मच। ये रहा एक चम्मच, दो चम्मच और ये रहा तीन चम्मच। अब जा रहे धनिया डालने के लिए, धनिया कितना डालें? तीन चम्मच, दो चला गया और एक तीसरा है। और ये गरम मसाला भैया कितना डालें, कितना चम्मच? चार चम्मच डालिए। एक चम्मच, दो चम्मच, तीन, चार। अब रहा सीक्रेट मसाला, सीक्रेट मसाला भी डाल देते हैं इसमें। दोस्तों सारा मसाला इसमें डाल दिए हैं। अब ये रहा हमारा सरसों तेल, तो सरसों तेल थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि इसमें चर्बी पहले से है। और दोस्तों ये देख सकते हैं अब जयप्रकाश भैया जो मसाला के साथ में मटन को बढ़िया मिक्स कर रहे हैं। अच्छा बढ़िया मिक्स कीजिएगा, तो सूखने के लिए भी दीजिएगा या मिक्स करके डायरेक्ट डालिएगा? नहीं नहीं नहीं, बस गरम करेंगे। अच्छा, इसमें डालेंगे उसी में। अच्छा, गोलकी जीरा दीजिए। और दोस्तों ये रहा हमारा गोलकी जीरा, देखिए गिलास में कूट लिए थे, तो देखिए ये सब डाल देंगे थोड़ा सा। सब ये देखिए गोलकी जीरा कूटा हुआ है, वो भी रोहित भाई कूटे हैं गिलास में। चलिए देखिए दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और देखिए अभी इधर सौंधा मटन बन चुका है और इधर देखिए लहसुन डाल रहे हैं, तेल इधर गर्म हो गया, लहसुन डाल रहे हैं। तो इधर लहसुन लाल हो चुका है थोड़ा सा, अब जा रहे तेज पत्ता को डालने के लिए। तेज पत्ता थोड़ा सा लाल होगा, उसके बाद गोलकी मिर्चा जीरा एक साथ में डालेंगे। ये देखिए दोस्तों इधर भुजा गया है, अब जा रहे सौंधा मटन डाल रहा है। तो अब इधर से बढ़िया तरीका से इसको एकदम सोना मटन को भूनना है और बढ़िया तरह से एकदम बनाना है, एकदम फर्स्ट क्लास।
ताकि सोंधा मटन बहुत दिन बाद बना और स्वाद आए तो साथ में बना रहे हैं। तो फर्स्ट में सोंधा मटन नहीं बनाते, इसे हम लोग बनाते थे डायरेक्ट कढ़ाई से। तो ठीक है दोस्तों, अब बनाते हैं सोंधा मटन को। दोस्तों हमारा मटन आधा घंटा से ज़्यादा भुंजा जा चुका है और ये देखिए अपना कलर में आने लगा है, तो हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है और मसाला भी बढ़िया से मिक्स होके खोलने लगा है। तो मतलब मटन हमारा आधा से ज़्यादा सीख चुका है ना राजकुमार भैया। और कितना टाइम लगेगा मटन बनने में? और 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। चलिए इसको अच्छा से भूंजिए एकदम, अभी बहुत पानी है, पानी को सुखाइए और बढ़िया से भूंजिए। और रोहित भाई उधर सो गए हैं, कहाँ है रोहित भाई, सो गए हैं उधर। दोस्तों हमारा मटन बन चुका है, देख सकते हैं प्रकाश भैया कितना ही बढ़िया से भून लिए हैं। ये देखिए मटन का कलर कितना ही मस्त हो गया, एकदम बढ़िया से भून के मसाला वगैरह सारा भुंजा जा चुका है और मटन भी बन गया अपना। तो चलिए अब मटन निकालते हैं, इधर चावल भी हमारा बना हुआ है इधर देख सकते हैं पसीने में। अब चलिए खाना निकालते हैं, तीन थाली में तीन भाई का खाना है निकलेगा। ये देखिए दोस्तों अभी इधर चावल निकल गया है तीनों जगह में, मटन निकालते हैं, पहले निकालते हैं आराम से धीरे धीरे। इधर पंकज भैया का निकाल रहे हैं, इधर मेरा निकाल रहे हैं। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये देखिए हम लोग का खाना बन चुका है। तो देखिए मटन चावल तीनों थाली में निकल चुका है, इधर रोहित भाई का, इधर जयप्रकाश उस्ताद का, इधर हमारा। तो मटन जो है सोंधा मटन बनाए थे जयप्रकाश भैया, तो बहुत ही आज अच्छा लगने वाला है खाना, क्योंकि ये जो बनाया है ये अलग स्टाइल से बनाया है। क्या भैया कैसा लग रहा है भैया, खा के देखें कैसा लग रहा है बताइए। स्वादिष्ट है, बढ़िया मटन वगैरह खा के देखिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों हम भी खाते हैं। दोस्तों ग्रेवी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब मटन जो है यहाँ पे चमड़ी छील के देता है, ये देखिए चमड़ी लगा हुआ इसका बाल छील दिया है, मतलब इधर का जो झारखंड का जो रांची साइड में मटन ऐसे ही बनता है, चमड़ी पूरा नहीं कबाड़ता है, चमड़ी को छील देता है। तो देख सकते हैं अब खा के देखते हैं इसका भी स्वाद कुछ अलग ढंग का ही है। दोस्तों टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया था। और ये देखिए सीना वाला पीस है, तो सीना का पीस सबसे अच्छा लगता है मटन में खाने में। इधर जयप्रकाश भी अभी खा रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी दोपहर का 2 बज चुका है और इधर देखिए खाना निकल गया, उधर पंकज भी खा रहे हैं और उधर उस्ताद खा रहे हैं और इधर हमारा खाना निकला हुआ है। चलते हैं खाने के लिए और उस्ताद का हाथ में आज मटन बना है, तो देखते हैं खा के कैसा लग रहा है। ग्रेवी तो बहुत अच्छा है दोस्तों, मटन खा के देखते हैं, बहुत परफेक्ट है, बहुत टेस्ट लग रहा है मटन। और उस्ताद का हाथ में कार है, उस दिन भी अंडा कली बनाया तो बहुत अच्छा बना और मटन बनाया तो आज भी बहुत अच्छा बना है। भी लग रहा है दोस्तों, चलते हैं खाने के लिए। अब तो चलिए ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं मटन तो बहुत ही अच्छा बना है, तेल का भी हंस थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन मटन खाने में काफी अच्छा लग रहा है। मटन का जो दोस्तों पीस है ना एकदम रसगुल्ला जैसा लग रहा है रसगुल्ला खा रहे हैं ना सर। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ आज दिन भर इंतजार कर लिए और सारा ट्रांसपोर्टर को फोन लगा लिए, तो कोई हम लोग को माल बताया नहीं, ना लॉन्ग ट्रिप का बता रहा है ना लोकल बता रहा है। और वहाँ पे जो सिलीगुड़ी का माल भरने गए थे वो हमको बेवकूफ बना के यहाँ पे भेज दिया लोकल ट्रिप भर के, मतलब पीछा छुड़ाने के चक्कर में हमको लोड करवा दिया, ताकि वहाँ पे रहते पतरातू में तो परेशान करते कि नहीं सिलीगुड़ी लोड कराइए आप, गाड़ी काहे बुलाएं, इसके वजह से लोकल ट्रिप भरवा के हमको मामू बना दिया, मतलब बेवकूफ बना दिया भैया हमको। तो ट्रांसपोर्टर लोग झूठा होता है, झूठ बोलता है, झूठ बोल के गाड़ी लगाता है और सारा लोग ड्राइवर को परेशान करता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो नुकसान हुआ 3-4 हज़ार का,
लेकिन आने वाले समय में हम सोच समय सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार गाड़ी तो लोड हो जाए, उससे चार दिन गाड़ी खड़ा करेंगे, जब तक डिटेंशन नहीं लेंगे गाड़ी छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब चलते हैं बोकारो में, अब बोकारो से ही माल ट्राई करेंगे, नहीं तो हम चल जाएंगे बंगाल। कल गाड़ी का भी काम करवाना, गाड़ी मेरा पूरा गर्म हो जा रहा है, तो उसे भी काम करा लेंगे, जो भी 10-15 हज़ार रुपये खर्चा लगेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। मतलब जब से इधर आए ना, जतरा बना के पूरा जतरा खराब हो गया। इधर देख सकते हैं उस्ताद भी है, इधर रोहित भी है। चाय पियो रोहित, इधर चाय निकल गया है, पानी पी के। इतना बढ़िया कुल्हड़ वाला चाय मिला है, कुल्हड़ वाला चाय पीजिए। हाँ, और मन को फ्रेश कीजिए। वो तो बात सही है उस्ताद, लेकिन हम लोग लोकले मार मार रहेंगे ट्रिप, बोकारो से रांची, रांची से पतरातू। चलिए अब की बार व्यवस्था लगाया जाए, लंबा ट्रिप का व्यवस्था लगाया जाए, एकदम खाना पीना खाते पीते बनाते डांस करते चला जाए। एक पूरा ये चावल रख लिया जाएगा। हाँ हाँ सही बात, बासमती चावल। नहीं नहीं, दिन में खाना बना के सोएंगे, रात में चलेंगे। एक कुंटल का आशीर्वाद का आटा दे लिया जाएगा, एक कुंटल। चलिए ठीक है दोस्तों, चाय पीते और निकलते हैं। दोस्तों भी रात के 8:30 बज चुके हैं और अभी अपने घर पे पहुंच चुके हैं, तो खाना वगैरह सारा बन गया। तो देखिए रोहित भाई भी आ गए खाना खाने के लिए, और रोहित भाई जैसे ही आए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने लगे, तो आज इंडिया जो अच्छा बैटिंग किया ना रोहित। हाँ, ये रोहित शर्मा मारा है, कितना रन मार दिया, जो वर्ल्ड कप का दर्द दिया है ना। हाँ, आज हमको वो दर्द रोहित शर्मा मार के दर्द मतलब खत्म किया है। और शतक मतलब शतक नहीं बना पाया ना। हाँ, नहीं बना पाया, लेकिन 92 पे आउट हो गया, लेकिन हमको बहुत खुश लगा। अच्छा अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो हरा था वर्ल्ड कप का फाइनल में, उसका बदला लिया है। उसका बदला लिया। अच्छा अच्छा, और खाना में क्या खा रहा है ये बताओ। इधर तड़का है, इधर रोटी है, और हम लोग का तो रोहित शर्मा बहुत बड़ा इंडिया का क्रिकेट खिलाड़ी है, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। काहे कि रोहित शर्मा जिस दिन सन्यासी ले लिया, उस दिन से IPL और वर्ल्ड कप देखना छोड़ देंगे। क्योंकि सबसे बड़ा तो मेरा बिग फ्रेंड है महेंद्र सिंह धोनी, उसको भी बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो सन्यासी ले लिए हैं। अब रोहित शर्मा जिस दिन ले लिए, उस दिन से हम देखना ही बंद कर। बहुत आज खुश लगा, जो वर्ल्ड कप का जो दर्द हमको लगा है ना, जो हारा है, जिससे हम लोग का भारतीय खिलाड़ी सब, लेकिन हमको बहुत दर्द लगा। हम उस दिन मैच देखे ना, तो हम रात भर सोए नहीं थे सुकून से, हमको मतलब दर्द हुआ है। ऐसा तो हम लोग भारतीय खिलाड़ी खेलता है, लेकिन हम लोग को भी दर्द होता है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, आज जो रोहित शर्मा मारा हमको बहुत बहुत बड़ा खुश हुआ। तो ठीक है, लेकिन नहाया तुम कहानी ये बताओ ना। आज सुबह नहाएंगे, सुबह नहाएगा, पता लग रहा है कितना दिन से नहाया नहीं है तुम। और दोस्तों खुशखबरी ये है कि हम लोग को माल मिल गया है। दोस्तों रोहित सही बोल रहा था कि जब भी हम लोग को माल मिलेगा बंगाल से मिलेगा, और वो भी यूपी नेपाल का, तो बंगाल से माल मिल गया है। कल जाएंगे लोडिंग करने के लिए, कल शाम को प्रोग्राम हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि बात हुआ ट्रांसपोर्टर से, बोला कल शाम को चले जाइएगा, परसों आपका माल लोड हो जाएगा। तो चलिए इधर आए तो बढ़िया हो गया कि माल हमारा मिल गया, क्योंकि हम लोग भी लॉन्ग ट्रिप का माल खोज रहे थे, लेकिन मिल नहीं रहा था, तो लोकल में चल चल के पूरा बोरिंग हो गया था। क्या रोहित, अरे जिधर जिधर चला किए थे उधर तो फंसा दिया ट्रांसपोर्ट वाला, तो सिलीगुड़ी का लोड करवाने के चक्कर में 3 दिन उधर खड़ा लोकल का भरवा के अपना छुट्टी ले लिया। चलो भाई कोई बात नहीं, धोखेबाज ट्रांसपोर्टर को बताएंगे, समय आने दो। तो चलिए ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं और खाना खा के सोते हैं, बाकी कल दिन में कुछ गाड़ी का काम कराएंगे, फिर अपना शाम को चले जाएंगे फैक्ट्री, और परसों गाड़ी अपना लोडिंग कर लेंगे। दोस्तों भी रात के 10:30 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं सोने के लिए। बाकी सुबह सुबह उठ के अपना जो है गाड़ी का काम करवाना है, तो सोना भी जल्दी पड़ेगा, बाकी सुबह में बहुत सारा काम पड़ जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं सोने के लिए।